गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक AABYB प्रोग्राम के बारे में, जिसका आज जो है ऑनलाइन इंटरव्यू था, तो उसका मैं रिव्यू आपके सामने लेके आ गया हूँ फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। तो फ्रेंड्स, आज जो है काफ़ी कम बच्चों का एग्ज़ाम था इंटरव्यू, ठीक है। तो मुझे गिने चुने एक दो ही रिव्यू मिले, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि क्या होगा कि कल जिनका भी इंटरव्यू है तो वो थोड़ा सा उनको हेल्प हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप, अगर आपका इंटरव्यू होता है कल भी, तो आप प्लीज़ मुझसे शेयर करिए। मेरा ईमेल आईडी जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, youngerage73@gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है, आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर जो है शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में वन बाय वन कि कैसा था इंटरव्यू। सबसे पहले मैं थैंक यू देना चाहूँगा मृत्युंजय दास को, जो कि इन्होंने मुझे मेल पे अपना रिव्यू दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या क्या बताया है। एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ सेम एज प्रीवियस, ठीक है, मतलब पिछले तरह ही था, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले साल का उसी तरीके से था, ठीक है। ओनली डिफरेंस इज़ दैट इन पार्ट टू, ठीक है, पार्ट टू में ही डिफरेंस था, जिसमें वे क्या करते थे कि आपका जो लैंग्वेज स्किल है वो आपका टेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राउंड टू में क्या होता है कि आपका लैंग्वेज का टेस्ट होता है, जैसे कि आपको बोलना पड़ता है, आपको उनमें स्पीक करना पड़ता है, रीड करना पड़ता है, सब चीज़ें जो ऑडियो वाला काम है वो आपका राउंड टू में होता है, उसी में आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है, ठीक है, लैंग्वेज का स्किल टेस्ट। चलिए देखते हैं पार्ट टू, मतलब राउंड टू जो है 3 सेक्शन में डिवाइडेड था, ठीक है। पहले में 10 क्वेश्चन, दूसरे में 10 क्वेश्चन, तीसरे में 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला जो 10 क्वेश्चन था उसमें 3 बैंकिंग के क्वेश्चन थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ KYC, ठीक है, नो योर कस्टमर, व्हाट इज़ KYC। दूसरा तो था इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज़ डिफ्लेशन। तीसरा जो था डिपॉजिट रेट, व्हाट इज़ डिपॉजिट रेट, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरे 7 जो है पर्सनल क्वेश्चन पूछे गए थे आपको, ठीक है, ओनली 3 ही बैंकिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। पर्सनल क्वेश्चन में आपको बता दूँ, पर्सनल क्वेश्चन जैसे कि शेयर योर स्पीच व्हेन यू आर इन अ कॉलेज फेयरवेल, कॉलेज फेयरवेल में आपकी जो स्पीच आपने दिए थे वो आप यहाँ पे शेयर करिए, जो कि आपको बोल के आंसर देना है, वो भी इंग्लिश में, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा एग्जांपल, शेयर योर एक्सपीरियंस व्हेन यू हेल्प समवन, जब आपने अगर किसी को हेल्प किया होगा तो वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे शेयर करिए, बोल के बताइए। तो इस तरीके से जो है पार्ट टू में आपको सेक्शन देखने को मिले थे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। पार्ट फर्स्ट इज़ वेल नोन बाय यू सर, जैसे कि मैंने बताया था सेम वो इस तरीके से था। देखिए 12 क्वेश्चन जो है आपको उसके लिए 20 मिनट दिया गया था, ठीक है, 12 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट। जो 12 क्वेश्चन थे वो टोटल कोर्स ऑफ एक्शन पे बेस्ड थे, ठीक है, कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, ईच क्वेश्चन वी हैव टू डिसलाइक एंड लाइक कंक्लूजन, ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको लाइक करना था, डिसलाइक करना था उनके कंक्लूजन को, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको कंक्लूजन दिए रहेंगे, ठीक है, तो आपको बस लाइक डिसलाइक एग्री डिसएग्री जिस तरीके से आपको क्लिक करना होता है, दैट्स इट। दूसरे जो 24 क्वेश्चन थे उसके लिए 8 मिनट का टाइम दिया गया था, ठीक है, 24 क्वेश्चन के लिए 8 मिनट का टाइम दिया गया था, जिसमें आपको डिसएग्री एग्री इस तरीके से आपको टाइप क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है, एग्री डिसएग्री के टाइप जैसे क्वेश्चन दिए गए थे। कोई क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें आपको ऑप्शन रहेगा एग्री डिसएग्री, पूरे टोटल पर्सनल टाइप के क्वेश्चन थे, ओके। पार्ट टू में 10 बैंकिंग एंड पर्सनल, 10 क्वेश्चन रीडिंग एंड स्पीक, एंड 10 क्वेश्चन जो है लिसन एंड स्पीक। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेक करिएगा, उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी बताया हुआ है, ठीक है। तो ये था 30 अक्टूबर का जो है फुल रिव्यू, कि इसी तरीके से क्वेश्चन था,
जैसे मैंने इस वीडियो में बताया था सेम उसी तरीके से था, कोई भी चेंजेस नहीं थे इसमें। ठीक है, सिर्फ जो बैंकिंग के क्वेश्चन थे मैं आपको फिर से बता देता हूँ। KYC, व्हाट इज़ KYC, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, डिपॉजिट रेट, इसको आपको बता के आंसर देना था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ रात को 9 बजे, तो आपको जो है इस वीडियो को पूरा का पूरा शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि जिनका भी कल हो इंटर हो तो उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। जब भी आपका इंटर होता है तो प्लीज़ मेरे ईमेल आईडी पे शेयर करिएगा, ताकि सभी को हेल्प हो, मैं उसका वीडियो बना के सबको बता सकूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना। फ्रेंड्स तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।